नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, CTET की तैयारी के क्रम में साइंस सुपर सीरीज का भाग 3 आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, किंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियोस अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। मित्रों, अब आप अपनी सभी परीक्षाओं की तैयारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 8430172357 पर अपना नाम और परीक्षा का नाम लिखकर मैसेज करना होगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मित्रों, पिछले भाग में सम्मिलित किए गए प्रश्नों से आगे के प्रश्नों का आज हम अध्ययन करें, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 103, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है सोनार। प्रश्न 104, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? उत्तर है हाइग्रोमीटर। प्रश्न 105, रडार का क्या उपयोग है? उत्तर है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। प्रश्न 106 है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर है परमाणु को। प्रश्न 107, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? उत्तर है प्रकाशवर्ष। प्रश्न 108, साइक्लोट्रॉन का क्या कार्य है? उत्तर है आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करना। प्रश्न 109, नैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? उत्तर है गैसों का दाब। प्रश्न 110, एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? उत्तर है विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न 111, पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? उत्तर जे ए फ्लेमिंग। प्रश्न 112, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है अतिचालकता। प्रश्न 113, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? उत्तर है एंडरसन। प्रश्न 114, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? उत्तर है 159 लीटर। प्रश्न 115, एक खगोलीय इकाई औसतन किसके बराबर होती है? उत्तर है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। प्रश्न 116, एक किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? उत्तर है 9.8 न्यूटन। प्रश्न 117, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है? उत्तर है 0.51 MeV। प्रश्न 118, टैकियॉन का क्या तात्पर्य है? उत्तर है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। प्रश्न 119, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? उत्तर है आइंस्टीन ने। प्रश्न 120, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रम द्वारा उत्पन्न होती है? उत्तर है नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रश्न 121, एक्स किरणें किसमें से होकर पार नहीं जा सकती? उत्तर है लकड़ी से होकर। प्रश्न 122, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? उत्तर है जर्कोनियम। प्रश्न 123, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? उत्तर है एल्यूमिनियम। प्रश्न 124, एक मनुष्य 1 मीटर से कम की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाया तो उसकी आँख में कौन सा दोष है? उत्तर है दूरदृष्टि दोष। प्रश्न 125, सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर है नौ संचालकों के लिए। प्रश्न 126, बर्नौली के प्रमेय किस पर आधारित है? उत्तर है ऊर्जा संरक्षण पर। प्रश्न 127, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण व संरचना आदि का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है रसायन विज्ञान। प्रश्न 128, मित्रों, नक्षत्रों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? उत्तर है खगोल विज्ञान। प्रश्न 129, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? उत्तर है केमी शब्द से। प्रश्न 130, क्रमबद्ध एवं स्वव्यवस्थित ज्ञान को कहा जाता है? उत्तर है विज्ञान। प्रश्न 131, आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर है लवाइशिये। प्रश्न 132, सर्वप्रथम किस देश में रसायन विज्ञान का ज्ञान हुआ? उत्तर है मिस्र व अरब। प्रश्न 133, आधुनिक विज्ञान में अब तक कितने तत्वों की खोज हुई है? उत्तर है 108। प्रश्न 134, वायु क्या है? उत्तर मिश्रण। प्रश्न 135, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा? उत्तर था रदरफोर्ड। प्रश्न 136, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? उत्तर है प्लाज्मा। प्रश्न 137, जल क्या है? उत्तर है एक यौगिक।
प्रश्न 138, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर है तत्व। प्रश्न 139, दाब बढ़ने पर पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है बढ़ता है। प्रश्न 140, पहाड़ों पर जल्दी जल क्यों उबलने लगता है? उत्तर है दाब कम होने के कारण। प्रश्न 141, द्रव का ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। प्रश्न 142, मित्रों जिस अवस्था में पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है भौतिक परिवर्तन। प्रश्न 143, चीनी का घुलना कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा परिवर्तन है? उत्तर है भौतिक परिवर्तन। प्रश्न 144, आयोडीन का परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? उत्तर है भौतिक परिवर्तन। प्रश्न 145, जिस अवस्था में पदार्थों के संगठन व गुणधर्मों में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 146, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 147, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। प्रश्न 148, कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 149, सिरके का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 150, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? उत्तर है रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 151, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? उत्तर है रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 153, प्रकृति में जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? उत्तर तीन अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। प्रश्न 154, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है क्वथनांक। प्रश्न 155, जिन वस्तुओं का आकार निश्चित नहीं होता और आयतन निश्चित होता है वे क्या कहलाते हैं? उत्तर है द्रव। प्रश्न 156, नौसादर को गर्म किए जाने पर वह बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है इसे क्या कहते हैं? उत्तर है ऊर्ध्वपातन। प्रश्न 158, चीनी या नमक का जलीय विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? उत्तर है सम्मांग मिश्रण। प्रश्न 159, बारूद किस प्रकार का मिश्रण है? उत्तर है विषमांग मिश्रण। प्रश्न 160, जब कोई द्रव विशेष दाब व ताप पर जम जाता है तो उसकी अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर है हिमांक। प्रश्न 161, द्रव के दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है क्वथनांक बढ़ जाएगा। प्रश्न 162, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? उत्तर है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। प्रश्न 163, प्रोटॉन की खोज किसने की? उत्तर है रदरफोर्ड। प्रश्न 164, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? उत्तर है चैडविक। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मित्रों आज की वीडियो के प्रश्नों के साथ अन्य प्रश्नों की पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निवेदन है प्रश्नों को डाउनलोड करके पाठ्य सामग्री का लाभ लें। मित्रों यदि आपकी कोई समस्या या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मित्रों वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। और चलते चलते आपसे निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।